झारखंड स्वाभिमान यात्रा के तहत जो है आज बारेड़ी चौक से लेकर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान तक जो आज निकाली हुई जेएलकेएम के द्वारा जेबीकेएसएस के द्वारा झारखंड स्वाभिमान यात्रा, यहाँ पर तमाम जेएलकेएम के क्रांतिकारी योद्धा यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक सभा का आयोजन होगा और थोड़ी देर में टाइगर जयराम महतो भी आएंगे। हमारे साथ रविंद्र सरदार टाइगर जी हैं। टाइगर जी, अब तक में स्वागत है और आज जो एग्रीको मैदान में आप लोग पहुंचे हैं, क्या है उद्देश्य पूरा बताइए। यह उद्देश्य है झारखंड का स्वाभिमान के बारे में, झारखंड का मान स्वाभिमान सम्मान के बारे में। कोई बाहरी लोग यहाँ झारखंड के स्वाभिमान के बारे में छेड़छाड़ किया था, जिसके चलते यूपी बिहार का संविधान यात्रा बनाए किया था, लेकिन झारखंड को छोड़ दिया था। झारखंडी लोग में ये बर्दाश्त नहीं हुआ, यह सम्मान हुआ, सचमुच हुआ, इसलिए झारखंडी लोग गोलबंद हुआ। यहाँ आदिवासी मूलवासी हर लोग गोलबंद हुआ। झारखंड की एकता पर, अखंडता पर, संविधान पर, मान पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना होगा, इसलिए आज गोलबंद होकर जयराम की सेना यहाँ उसका परिचय देना है, उसका मुतल जवाब देना है। ये आज का कार्यक्रम आज जो है झारखंड स्वाभिमान यात्रा के तहत आप लोग एकजुट हुए हैं, तमाम योद्धा, तमाम क्रांतिकारी झारखंडी यहाँ एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? आज इस अभियान यात्रा में पूरा झारखंड वासी एकता का परिचय दिखा रहा है और झारखंड के मान सम्मान के लिए ऐसे हर समय रातों दिन और 24 घंटा तैयार है। यही आज परिचय देने आए हैं आज एग्रीको मैदान में। जी, आज जो है झारखंड के मान सम्मान के लिए आज 24 वर्ष होने के बाद भी आज जो अपने आप को स्वाभिमान ये यात्रा निकालना पड़ रहा झारखंडों को, ये क्या बदकिस्मती है? ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक बात है। यहाँ पर हम लोग आज 24 साल हो गया झारखंड अलग हो के और स्वाभिमान निकल रहे हैं बाहरी लोग, ये हम लोग यहाँ के हक अधिकार लेंगे। अरे भाई, आप लोग यहाँ के अधिकार लेंगे तो हम लोग कहाँ के हैं भाई? हम लोग का भी अपना पहले आप हम लोग का होना चाहिए, उसके बाद बाहरी जो आएगा उसका बचेगा तो उसको दिया जाएगा। जोर I'm not afraid of the dark.
कार्यक्रम को सफल बनाना है हमारे बीच सही निर्मल मातो अमर रहे को नारा लगाइए, सही सुमिल मातो का नारा लगाइए, भगवान बिरसा मुंडा का नारा लगाइए और यह कार्यक्रम को सफल बनाए, क्योंकि हमारे झारखंड की स्वाभिमान की बात है, हमारे झारखंड की हित और अधिकार की बात है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार मिलकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। टाइगर तेरा मातो जिंदाबाद, टाइगर तेरा मातो जिंदाबाद, टाइगर तेरा मातो जिंदाबाद, टाइगर तेरा मातो जिंदाबाद। टेम्पो वाला भाई धीरे धीरे, टेम्पो वाला भाई आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। हेलो, जो भी क्रांतिकारी भाई दादा दीदी लोग आए हैं, कृपया शांति बना के हम लोग इस झारखंड स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। जितने भी बड़े गाड़ी बाइक वाला सब है, वो लोग कृपा करके पीछे गाड़ी लगाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एग्री गोल चक्कर तक जाने का काम करेंगे। और जितने भी हमने कुछ ऐसे टीमों को चयनित किया है जो इस रैली को शांतिपूर्ण बनाने के लिए निगरानी समिति में 14 लोगों को ड्यूटी दिया गया है, वो निगरानी समिति के हम लोग जो निगरानी समिति सफल कार्यक्रम के लिए हम लोग बनाए हैं, और निगरानी समिति शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना काम करेंगे और धीरे धीरे गाड़ी चलेगा। टेम्पो वाला भाई गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाएंगे और जितने भी हमारे दीदी भाई दादा दीदी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस ऐतिहासिक झारखंड स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाएंगे। जितने गाड़ी बाइक वाला दादा लोग हैं वो लोग कृपा करके गाड़ी पीछे लगाने का काम करेंगे, और जितने पैदल जितना लोग हैं कृपा करके पैदल सब आगे रहेंगे। महिला दीदी लोग को सबसे आने जितने भी दादा लोग हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि महिला लोगों को आगे आने दीजिए, महिला लोगों को आगे आने दीजिए। जो भी दादा लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है
की महिला दीदी लोग को आगे होने दीजिए। दादा का विचार है कि इस आंदोलन का अगुवाई करेंगे महिला दीदी लोग। जितने भी हमारे दीदी लोग आए हैं वो कृपा करके आगे होने दीजिए और दादा लोग कृपा करके आप लोग पीछे हो जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ये झारखंड स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाएंगे। जो भी दादा अपना संयम व्रत रखेंगे, ये हम लोग का कठिन घड़ी है परिश्रम की। प्रेम जी जोर जोर, आज झारखंड स्वाभिमान यात्रा के तहत जो है बारेड़ी चौक से लेकर के एग्री को गोल चक्कर तक एक क्रांति आज दिख रही है। और ये क्रांति एक ऐसा लगता है जैसे झारखंड आंदोलन के समय दिखता था। एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो की सेना आज उन गुलाम करने के लिए बारेड़ी चौक से निकली है, क्या कहेंगे। देखिए कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा बाहरी भीतरी का खेल खेलने का प्रयास किया गया था, तो उसी का हम लोग विरोध किए। और आज जो ये हमारा झारखंड स्वाभिमान रैली यात्रा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोगों को अपने झारखंड पर गर्व है, झारखंड यात्रा पर गर्व है। क्योंकि हम लोग अभी भी अपने भाषा, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को बचाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में संघर्ष करके अपना अस्तित्व को बचाएंगे। अभी टाइगर जयराम था के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, झारखंड बचाओ झारखंड स्वाभिमान रैली, इसमें हम लोग आज के समय में अपने आप को हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ के आदि लोग, हम यहाँ के मूल लोग, हम एक हैं। झारखंड एकता एक है, झारखंड अपने अस्तित्व में मजबूत है। झारखंड पर अगर कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो हम भी चुप बैठेंगे नहीं। और आने वाले समय में आप देखेंगे, चूंकि अभी वर्तमान समय में हमारे राजनीति अतिक्रमण भी किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में, तो हम भी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका खुल के पुरजोर विरोध कर रहे हैं और झारखंड स्वाभिमान रैली के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के वासियों को कि यहाँ पार्टी से बड़ा माटी का खेल है। क्योंकि हम लोगों को अपना माटी बचाना है, झारखंड को बचाना है, और झारखंड को बचाने के लिए झारखंड एकता का परिचय देते हुए आज टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में झारखंड स्वाभिमान रैली निकाली गई है। धन्यवाद।